हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं ले पाई थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो ये पापा आए थे, आपने देखा ही था लास्ट वीडियो में। अब वो गांव के लिए निकल रहे हैं और अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, तो वेदू ने ज़िद कर ली कि मुझे भी गाड़ी में बैठना है। तो पापा ने उसको बिठा दिया और एक राइड राइड दे दी उसको, ताकि वो खुश हो जाए। ओके बाय। चलो गेट। थोड़ा सा लड़ा, बस उसको बुलाते एक बार, वो हैंड वॉश डाल देता उसने। तो हम क्या बना रहे हैं, हमने ये तो बताया ही नहीं। चॉकलेट बनाना केक। बनाना केक पिंक बन गया। यस दो दिन से डाल नहीं रही हूँ, डिमांड आ रही है। वो क्या? हाय हाय, ये ब्लॉगर, ये ब्लॉगिंग चल रही है पीछे। Do like, share, subscribe my channel. मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगी आपके लिए। हम तो कहीं मजाक उड़ा रहे थे, तो मेरी तुम लोग मैं इतनी हिम्मत है कि अपनी बेइज्जती करवा सको। नहीं, बेइज्जती करवा तेरे में और तेरी मामी मासी में बहुत हिम्मत है। तेरी में और तेरी मासी में बहुत हिम्मत है। मुझे पता, मैंने बहुत लोगों का सोचा। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या किया पहले ये बता दो। इसमें मैंने चिकन को वॉश किया, फिर उसमें मैंने हल्दी, नमक, कोरिएंडर पाउडर ये सब डाला और नमक ये सब मिक्स करके थोड़ी देर मैरिनेट किया। कितनी देर? 15 मिनट। अच्छा, तो इधर आपने ऑयल डाला, ऑयल डाला और खड़े मसाले डाले जैसे कि लौंग, हाँ वो जो भी इलायची और ये सब। उसके बाद आपने अनियन का पेस्ट डाला, उसको लाइट ब्राउन हुए तब तक आपको करना है। उसके बाद ये सारा मैरिनेट कर डालूंगा।
ये चिकन, हाँ ये 2.5 किलो चिकन है, उसमें ये चमचे हमने 3.5 लिए ना, 3.5 नहीं मैंने 4 चम्मच लाल मिर्च डाली है वो भी नहीं, नहीं ये ऑयल का बोल रही हूँ, ऑयल हाँ मैंने 3.5 और आपने लाल मिर्च 4 चम्मच डाली है, 1 चम्मच हल्दी डाली होगी हाँ, और 4 चम्मच ही कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ज़्यादा 6 चम्मच, 6 चम्मच ओके, और नमक स्वाद अनुसार ओके। ये माहौल चल रहा है सर, अली क्या नींबू में हाँ लगा रहे बेटा लगा रहे ये देखिए काली मिर्च भर भर के डाली मैंने इसमें, ये मुर्गे की टांग नीचे लगी, ये देखिए कांदा काट दिया हमने इसका, ये राक्षस के लिए डाल रहे हैं वो मुझे डाल दिया उसमें, नहीं इसमें तो नहीं डालूंगी मुझे व्यूज आ जाएंगे, ये लेग पीस डाला है इसमें, नहीं आपको तो जरूरत है ना, और ये देखिए काम हो गया, इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटर, मैं भी तो कुबा बनू इसमें हमारी थोड़ी गलती है, छोटी सी खमा नहीं खाते, खमा नहीं खाते, खमा करना पड़ेगा इसको अभी, रिद्धिमा ये रिद्धिमा के लिए ना, ये फोन छोड़ो, रिद्धिमा ले ये गो कर देते, ये तो खाना खाए बच्चा, गोद ले ले उसको, गोद तो के सब तो हुई ये काम आ जाएगा, ये बॉक्सेस बड़े अच्छे लगते हैं, ये तो क्या कर रहे हो, it's possessed
ये तो बेबी है, ये भी ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ इसको खिलाते हैं। सब्जी भी रखते हैं। क्या बोला भाई तो आपने? अभी वापस बोलो मामा। बेबी को सुला दो, नीनी करा दो, नीनी करा दो, इच्छू इच्छू किच्ची भी कर दो, किच्ची भी कर दो। चलो चलो जीजा को दे दो, जीजा को दे दो, जीजा बेबी को सुला दो। बाय कर दो बेटी, बाय। जैसे नहीं 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 चलो ठीक है, कांदे से डिमोनिटाइज अभी आया। मिला मिला फिर भी आई गोट मोर यू फॉर कॉन्फ्रेंस, वो बना रहे हैं इसके ब्लॉग्स मगाने से। चलो चलो आओ आप हैदराबाद फिर घूमने, अभी बिल्कुल बिल्कुल हैं, किसको अच्छे ये तो मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। वेदू मासी जा रही है, जीजा जा रही है, जीजा मैं लगाती हूँ वापस।
वाह, ओह माय गॉड, एक बार देखना तो, एक बार देखो ना प्लीज, पीछे मुड़ के तो देखो, ओह क्यूटी, 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 सो हेलो एवरीवन, आपने वीडियो में देखा था कि मेरे जीजा जीसा और उनके दोनों बच्चे हैदराबाद से यहाँ आए थे। वो एक्चुअली शॉर्ट ट्रिप पे आए हैं, तो जयपुर से वो यहाँ आए थे और आज मॉर्निंग में ही वो कुंभलगढ़ के लिए निकल गए हैं घूमने के लिए, कुंभलगढ़ और उदयपुर। तो लास्ट नाइट हमने बहुत मज़े किए थे, आपने वीडियो में देखा ही था। तो एक कपल जो और था वो था, उसका नाम है मानवेंद्र, और वो साथ में जो थी वो हिमांशी जो उनकी वाइफ है। मानवेंद्र जीजा का रियल ब्रदर है और जीजा मेरी मासी सगी डॉटर है, तो ये हमारा रिलेशन है। तो हमने खूब मज़े किए थे, आपने देखा था जीजा चिकन बनाया था, बहुत अच्छा चिकन बना था, हमने खूब टाइम स्पेंड किया। हालांकि सिर्फ वन नाइट स्टे किया तो हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल जो भी टाइम था वो बहुत अच्छा था। तो उसके बाद फिर मैंने पूरा दिन वही घर के काम में लगा दिया। तो ये कुछ चीज़ें मैंने पहले से लेके रखी थी, तो मैं कब से सोच रही हूँ उसका वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिकॉज पहले पापा भी आ गए थे। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना फ्री हैं तो वीडियो बना लेते हैं और आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि घर से रिलेटेड मैं कुछ भी लूँगी तो आपसे शेयर पक्का करूँगी। तो अभी मैंने जो लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आइटम ये है, ये वुडन ट्रे। ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि बहुत कॉमन है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, मल्टीपर्पस है। आप इसको कहीं एज अ डेकोर आप यूज़ कर सकते हो, अपने प्लांटर्स या फिर आप डाइनिंग टेबल पे कैंडल होल्डर रखने के लिए, आप अपने काउंटर टॉप पे अपने जो ये टी और शुगर के कंटेनर्स रख सकते हो, ऑयल डिस्पेंसर्स रख सकते हो। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप ऐसे इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप एज अ ट्रे तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर ही सकते हो। तो मैंने इसको सोचा है एज अ ट्रे नहीं यूज़ करके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो वुडन की और है, तो इसको मैं काउंटर टॉप पे यूज़ करूँगी, इधर शुगर और टी कंटेनर के लिए या फिर ऑयल डिस्पेंसर के लिए। तो ये छोटी है तो इस पर सिर्फ दो आइटम ही आ सकते हैं, और ये मुझे पड़ी 299 में। इसकी जो प्राइस थी वो 299 थी, अब कौन क्या है मुझे नहीं पता है, बिकॉज अमेजन पे प्राइस बहुत ज़्यादा वेराई करती है। तो मैं इन सब के जो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ उनके लिंक्स मैं आपको शेयर कर लूँगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये बोरोसिल के मिक्सिंग बॉल्स। ये माइक्रोवेव सेफ हैं और मैंने ये थ्री बॉल्स हैं अलग अलग साइज में। एक 1 लीटर है, एक 1/2 लीटर है और एक 350 ml का है, देख सकते हैं आप ये तीनों। तो जो भी आपका जितना भी फूड आइटम है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी मल्टीपर्पज़ है, आप सैलड बनाने के लिए और ये अपने खाना गर्म करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका जो ये ग्लास है वो तो ऑब्वियसली बोरोसिल ब्रांड है तो अच्छा हो गई। तो ये मुझे 800 में पड़ा, वैसे इसकी प्राइस आई थिंक 1100 है, तो ये मुझे 800 में सेल में पड़ा था। नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट, ये विनोद की स्टेनलेस स्टील ट्राई प्लाई कढ़ाई। तो अभी आप बोलोगे कि लास्ट अमेजन हॉल में भी कढ़ाई दिखाई थी, बट वो कढ़ाई बड़ी थी, 3.5 लीटर की थी और ये 1.5 लीटर 20 सेंटीमीटर की है। तो रेगुलर यूज़ के लिए मुझे ये कढ़ाई लेनी थी, बिकॉज हम 2 से 3 जनों के लिए खाना बनाते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कढ़ाई है, साइज़ बहुत अच्छा है, डीप है। उसके साथ मुझे ये स्टील का लिड भी मिला है जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका लुक भी बहुत अच्छा है। तो ये कढ़ाई मुझे 1900 में पड़ी थी और अभी इसका क्या प्राइस है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 1900 से 2000 के बीच में इसका प्राइस रहा था। तो ये कढ़ाई भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैंने क्या सोचा है कि अब जो भी मैं कुकवेयर लूँगी वो अलग अलग ब्रांड से लूँगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा ब्रांड है और मैं आपको बता सकूँ कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो वैसे तो विनोद सबसे बेस्ट बोलते हैं, इंडियन ब्रांड है। अब देखो नेक्स्ट मेरा कौन सा ब्रांड मैं लेती हूँ, फिर वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लिए थे और मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, और
अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो उसे प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आप उसको दबाओगे नहीं, तो प्लीज उसको प्रेस करना ताकि आप मेरे साथ जो भी नया वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिल जाए और आप उसको देख सको। सो बाय, टेक केयर।